Hey guys, welcome back to the brand new video on the channel. This is Rahul Sharma and you're watching GamingOsmium YouTube channel. And guys, आज मैं बात करने वाला हूँ BTR के players के कुछ clutches की जो वो करते हैं 4AM के against, जैसे Ryzen का clutch था 1v4, साथ में BTR के Luxxy ने बहुत ही एक मतलब IQ वाला clutch करा था, वो clutches की बात करने वाला हूँ and बाकी जितनी fights रहती हैं जो उन्होंने यहाँ पे first super weekend के third day पे करी थी. So guys, यहाँ पे अभी देखो, अभी दो player रहते हैं Luxxy and Ryzen, and Ryzen को पता है कि हम zone से यहाँ पे zone में gatekeep हो रहे हैं. So अपने को क्या adjust करना है, अपने को यहाँ से किल्स निकालने. वो बंदा यहाँ पे तीन प्लेयर को स्पॉट करता है, एक प्लेयर पहले ही नॉक रहता है एंड उसके हाथ में रहते गाइस M24N. एक प्लेयर को नॉक करा, दूसरे प्लेयर को नॉक करा एंड तीनों प्लेयर्स को यहाँ पे कंफर्म करता है. मरने से पहले बंदा यहाँ पे तीन किल्स लेके गया. सो ये सारी चीजें रहती है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एंड ये गेम सेंस का रोल है. मतलब भाई अपने को पता है कि हम अभी मरने वाले, उससे पहले अपने सराउंडिंग में जितने बंदे हैं उनको मार के मरो. सो ये मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लगा कि भाई Ryzen ने मतलब फटाफट से तीनों प्लेयर को कंफर्म किया, उसके बाद इवन वो बंदा फर्म होता है. बट ना BTR के प्लेयर्स का मैंने बहुत देखा कि अगर वो एक प्लेयर भी रहता है ना एंड में, या फिर वो सर्वाइव करेगा या फिर बंदा वो किल्स निकाला, कुछ ना कुछ करके अपने लिए दो तीन पॉइंट इकट्ठे करेगा एंड उसके बाद वो मरते हैं बंदे. एंड गाइस यहां पे मैं बात करना चाहता हूं, यहां पे BTR थोड़ा सा अच्छा खेल सकती थी क्योंकि यहां पे अल्फा 7 को नीचे आना था. BTR के तीन मेंबर थे बट अभी Ryzen को एक नॉक आता है ऊपर वाली साइड से. नाउ अभी गाइस सीन क्या रहता है, इनको यहां पे अंदर जाना है, 30 मीटर से अंदर जाना पड़ेगा यहां पे जोन के. सो फटाफट से जाते हैं बट लॉ को देखना, लॉ ने यहां पे सारा काम खराब कर दिया. जैसे जक्सी अंदर आना चाहते थे ना, आगे आना चाहते थे, लॉ ने यहां पे इनको नॉक दे के ना अपने फाइट मतलब पूरी अपने पाले में फाइट यहां पे ले ली. क्योंकि गाइस एक साइड को ये खत्म कर चुके हैं, अभी दूसरी साइड ना यहां पे दो प्लेयर है जो एक ही घर में है एंड ये सबसे खतरनाक चीज थी BTR के लिए कि भाई यहां पे वो डाउन होते हैं क्योंकि बंदे एक ही घर में दो बंदे रहते हैं, दोनों साइड से ये प्लेयर पुश कर रहे हैं. टीम नंबर 11 को देखो गाइस, एक साइड से पुश कर रही है, दूसरी साइड से पुश कर रही है एंड वैसे यहां पे माइक्रोबॉय को सबसे पहले खत्म कर जाता है पूरा. लूप्स के करियो रहते हैं वो भी खत्म आते हैं एंड गाइस उसके बाद ना यहां पे एक ही प्लेयर रहता है Ryzen. सो उसको ये बंदे यहां पे घुस के नॉक करते, इवन एक बंदे को नॉक देते हैं Ryzen बट दूसरा प्लेयर यहां पे खत्म करता है. BTR ये फाइट को भी जीत सकती थी बट बहुत अच्छा रहा, यहां पे सेकंड पोजीशन लेती है BTR. अभी गाइस चलते हैं सबसे बेस्ट मोमेंट्स पे एंड Ryzen का 1v4 क्लच दिखाने वाला हूं. बहुत अच्छा क्लच Ryzen ने निकाला. इवन 4AM यहां पे जोन से बाहर थी, वो यहां पे ब्लू जोन का डैमेज ले रहे थे बट स्टिल Ryzen ने यहां पे इनको 1v4 क्लच करा एंड बहुत अच्छे से क्लच करा. खुद को मतलब थोड़ा सा भी डैमेज ये प्लेयर नहीं लेते. तो सबसे पहले बंदा क्या करता है, सबसे पहले तो गाइस यहां पे सुख आगे रहते हैं, जैसे जो जोन में मूव इन कर रहे हैं सुख को एक नॉक आया. उसके बाद ना यहां पे शिने कुछ अच्छा कर सकता था बट शिने जैसे इसको स्पॉट करता है एक नेड करने की ट्राई करता है एंड जैसे नेड निकालने की ट्राई करता है ना यहां पे Ryzen उसी टाइम उस बंदे को डाउन करता. अभी दो प्लेयर जो आगे थे उनको डाउन कर चुका था. अभी उसके बाद क्या था, ये दोनों मिलके मतलब इसको डाउन कर सकते, अगर शिने यहां पे जिंदा रहते हैं साथ में सवान आते हैं उसको डाउन कर सकते बट उसी टाइम यहां पे ये बंदा इसको शिने को डाउन कर देता है एंड आफ्टर दैट गाइस यहां पे सवान आया, इसको पता है मुझे आगे नहीं जाना है. अभी इसको अपने लिमिट्स पता है कि भाई पीछे से हसाकी भी यहां पे कवर फायर का रोल खेल रहा है, कवर फायर दे रहा है यहां पे क्योंकि इनकी टीम ना पूरी यहां पे ब्लू जोन के बाहर थी. बट गाइस इस बंदे को पता है अभी मैंने जस्ट एक नेड करना है एंड यहां पे अच्छा नेड लगता है क्योंकि उनको ऑलरेडी डैमेज बढ़ रहा है. जैसे नेड थोड़ा सा दूर भी जाता है बट सवान को एक नॉक आएगा एंड आफ्टर दैट ना एक और नेड करने की ट्राई करता है, हसाकी को स्पॉट करता है, कैंसिल करता है नेड को, थोड़ा सा आगे जाता है एंड हसाकी को डाउन करता है एंड लुक एट द एक्सप्रेशन. भाई इसका एक्सप्रेशन दिखना मतलब कितना मजा आया इस प्लेयर को, 4AM जैसे टीम को 1v4 करा एंड मतलब यार रिस्पेक्ट बनती है ऐसे प्लेयर के लिए. इवन वो जोन के बाहर थे बट स्टिल एक बंदे ने यहां पे अकेले बंदे ने उनको मतलब हैंडल करा एंड 1v4 करा. बट गाइस एक और फाइट दिखाना चाहता हूं जो सबसे बेटर लगी मुझे ये पूरे मैच में, इरेंगल के मैच में, Luxxy का यहां पे 1v3. अभी पावर 888 के प्लेयर को देखो, इसको स्पॉटेड है, एक नेट करा बिल्कुल परफेक्ट नेट, यहां पे एक प्लेयर को डाउन करता है बट उसके बाद ना बंदा ये अपनी गन नहीं चलाता क्योंकि इसको पता है अगर मैं गन यूज करूंगा ना सो भाई यहां पे बंदे मुझे मार के खत्म करेंगे. नेट से भी कंफर्म नहीं करता है, अभी वेट कर रहा है कि भाई अगर दूसरा बंदा यहां पे आएगा तो उसको वेट करके मारने वाला है, इसको कंफर्म नहीं कर रहा. अगर कोई नॉर्मल प्लेयर रहता फटाफट से कंफर्म करता. इसने क्या करा, इसने देखा कि भाई बंदा कब जैसे आता है उसी टाइम में दूसरा नेट फेंकूंगा एंड ये रहता है गाइस आईक्यू का गेम, पूरा गेम सेंस. अभी दूसरा प्लेयर जैसे आता है नेट कुक करता है, इन पे थ्रो करेगा, एक प्लेयर को यहां पे कंफर्मेशन आएगा एंड साथ में दूसरा प्लेयर नॉक क्योंकि अभी जो थर्ड प्लेयर रहता है उसको भी आगे आना पड़ेगा इसको बचाने के लिए. Luxxy ने स्पॉट कर लिया है कि दूसरा प्लेयर आ चुका है अभी एंड इनको नहीं पता कि कहां से यहां पे अपने पे नेड्स आ रहे हैं. वो सबसे बड़ी बात थी क्योंकि Luxxy ने गाइस यहां पे अपनी गन को यूज नहीं करा था, अभी ये नेड से इनको वाइप आउट करना चाहता था. थोड़ी सी हेल्थ मतलब बंदे की बच जाती है एंड उसको यहां पे गन का यूज करना पड़ेगा, स्कारल से डाउन करता है एंड ये 1v3 क्लच अपने लिए निकालता है. एंड इस पूरे डे का गाइस मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट था ये Luxxy का 1v3. इवन स्कारल चलाई उसने, अब बंदे ने उसको डाउन करा बट स्टिल अपने लिए बंदा तीन पॉइंट सिक्योर करके गया है एंड एक टीम को यहां पे एलिमिनेट करके गया है एंड थोड़ा सा
मतलब इस बंदे को यहाँ पे पोजीशन के भी पॉइंट मिलेंगे। सो भाई ये चीज है ना BTR के प्लेयर्स बहुत अच्छे से करते हैं। इवन जब PMWL हुआ था तो BTR के लक्सी का एक और ऐसा ही मैंने गेम प्ले देखा जब उसने बहुत सारी दिक्कतें दी थी यहाँ पे प्लेयर्स को। सो अभी ये वाली फाइट के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे BTR ना गाइस थोड़ा सा लकी रहती है क्योंकि अभी देखो बीबी के रेजी को देखो ये सबसे आगे होते हैं। इनको पता है कि यहाँ पे सामने कंपाउंड में कोई प्लेयर्स हैं, कोई टीम बैठी है, अभी अपने को उन पे पुश करना है। सो गाइस ये इवन पुश करते हैं बट यहाँ पे पुश इतना अच्छा नहीं रहता इनका क्योंकि लूफा आगे जाते हैं, लूफा की गाड़ी मतलब यहाँ पे उलट जाती है, राइजन इनको स्पॉट कर लेते हैं एंड साथ में जक्सी इनको डाउन करते हैं। बट यहाँ पे ना अभी सिचुएशन को बहुत अच्छे से ये हैंडल कर लेते हैं प्लेयर। इनको पता है कि सामने यहाँ पे जितने प्लेयर हैं उनको हमें अभी मारना है। सो जैसे ना सबसे पहले तो यहाँ पे एटोचैन एक नॉक देते हैं माइक्रोवेव को, उसके बाद यहाँ पे गाइस जो दूसरा प्लेयर रहता है उसको यहाँ पे नेड करना होता है। सो जैसे नेड करता ना यहाँ पे जक्सी को भी एक नॉक आता है बट यहाँ पे हेजल नट्स पूरी गेम खराब करता है। इधर से जैसे शॉट फायर करता है ना सामने वाली साइड जाने लगते हैं, दूसरी साइड भागने लगते हैं प्लेयर से, इनको 1v1 यहाँ पे राइजन अभी नॉक देगा एंड ये यहाँ पे चीज होती है। नहीं तो BTR यहाँ पे वाइप आउट हो सकती थी क्योंकि बीबी के प्लेयर्स ने ना गाइस बहुत अच्छे दो नॉक निकाले थे। उनको जस्ट क्या करना था, उनको एक थर्ड नॉक लेना था एंड आफ्टर दैट यहाँ पे राइजन को मिलकर यहाँ पे मार सकते थे एंड BTR यहाँ पे बाहर हो सकती थी। बट हेजल नट्स पीछे से आते हैं, आई डोंट नो उनको क्या मन में सोचा कि भाई एक ना एक दो शॉट मार दो। इवन उनको नॉक नहीं मिलता है, किल नहीं मिलता है, बट गाइस यहाँ पे मतलब मेन मोटिव था कि भाई बीबी का गेम प्ले खराब करना एंड वही यहाँ पे होता है। बट गाइस यहाँ पे राइजन अपनी टीम के लिए अभी 1v3 निकालते हैं, जो लास्ट प्लेयर रहता है उसको भी यहाँ पे डाउन करेंगे एंड जक्सी ने जो लूफा का नॉक दिया है वो भी खत्म होगा। सो पूरी बीबी की स्क्वाड ना यहाँ पे बहुत अर्ली एग्जिट लेने वाले है। बट मैं तारीफ करना चाहूंगा बीबी का भी क्योंकि उन्होंने यहाँ पे दो नॉक वो दे चुके थे एंड राइजन थोड़े से अपनी टीम से दूर थे, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता था गाइस। ये बंदे यहाँ पे BTR को एलिमिनेट कर सकते थे बट यहाँ पे BTR के लिए भाई भगवान साबित होते हैं यहाँ पे हेजल नट्स जो इनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, दूसरी साइड भगते हैं एंड इनको डाउन करा जाएगा। बट गाइस यहाँ पे एक और फाइट की बात करना चाहूंगा मैं जो BTR के प्लेयर्स की साइड से आती है एंड बिकेंडी मैप में चलते हैं। अभी बिकेंडी मैप की यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि बिकेंडी में क्या होता है। सो यहाँ पे फाइट चल रही थी गाइस अभी नोवा वर्सेस BTR की। जैसे वो जोन में मूव इन कर रहे थे यहाँ पे नोवा के प्लेयर्स करते हैं BTR के प्लेयर्स को यहाँ पे मार देते हैं। सो आफ्टर दैट ना जक्सी यहाँ पे बिल्कुल अलग एंगल पे रहते हैं, जक्सी यहाँ पे मिडिल चले जाते हैं एंड नोवा का पूरा स्क्वाड यहाँ पे घूम फिर के जक्सी के पास ही आने वाला है। गाइस मेरे पे अभी मैप पर्सपेक्टिव नहीं है, वो आपने देखा होगा क्या रहता है, बट मैं इस फाइट को भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता था जो BTR जक्सी ने मतलब बहुत अच्छे से इस फाइट को हैंडल किया था। एंड मैं पहले ही बोल चुका कि BTR का अगर एक प्लेयर भी रहता ना या तो पोजीशन के लिए खेलेगा या फिर भाई वो दो तीन किल निकाल के जाने वाला है। सो ऐसा यहीं पे होता है, ये बंदे इनको फटाफट डाउन करता है। यहाँ पे आप ड्यू मूवमेंट्स में देख सकते हो कि जैसे 1v1 प्लेयर्स अंदर आ रहे थे डाउन करते थे, इवन यहाँ पे पैराबॉय को पावर 88 के प्लेयर ने डाउन किया था, बट गाइस दो किल ना यहाँ पे ये बंदा अपने लिए सिक्योर करता है। आफ्टर दैट उसको भी नॉक करके खत्म कर जाएगा, बट स्टिल दो पॉइंट गाइस मैटर करते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे किंग को भी खत्म कर रहा था। बट आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना सो फटाफट से लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना एंड ऐसी कुछ बेस्ट बेस्ट फाइट देखना चाहते हो सो फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। ओके, पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर।